दो वेव इलेक्शंस के बाद क्या तीसरा वेव इलेक्शन फिर होने जा रहा है, या कि इस बार नॉर्मल पॉलिटिक्स दोबारा आएगी? और इस सब का जवाब मिलेगा नॉर्थ इंडिया में, जिसे हिंदी हार्टलैंड कहते हैं, कई बार काउ बेल्ट भी कहते हैं। इस इलाके में क्या होने जा रहा है, लोगों के माइंड में क्या है, ये पता करने के लिए मैंने वो किया जो पहले जमाने में किया करता था, गाड़ी उठाई और पब्लिक के बीच में गए। मुझे हमेशा हैरानी होती थी कि इतने लोग मीडिया में पब्लिक ओपिनियन के बारे में बोलते हैं, पब्लिक ये चाहती है, पब्लिक वो चाहती है, इनमें से कोई पब्लिक के पास जाता नहीं था। और जब मैं पोस्टर्स हुआ करता था तो हम ओपिनियन पोल्स करते थे, बड़े सर्वेस करते थे, लेकिन एक काम हमेशा मैं करता था, खुद जाके ऑर्डिनरी लोगों से बात करना। जैसे डॉक्टर्स करते हैं ना कि मेडिकल रिपोर्ट देख ली, सब कुछ देख लिया, लेकिन आखिर में अच्छा डॉक्टर जरा नब से उंगली भी रखता है, देखता है, खुद चेक करता है, मुझे वो किए बगैर तसल्ली नहीं होती। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज दैट आई वुड जस्ट गो अराउंड एंड एक्चुअली मीट लार्ज नंबर ऑफ वेरी ऑर्डिनरी पीपल इन देयर कॉन्टेक्स्ट एंड स्पीक टू देम। दैट्स व्हाट वी डिड ओवर 5 days, यहाँ गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर होते हुए, फिर चंडीगढ़, पटियाला, संगरूर से हिसार, सिरसा होते हुए, और राजस्थान में चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर रूरल, अलवर होते हुए वापस दिल्ली, 1500 किलोमीटर गए इस सवाल का जवाब देने के लिए। तो क्या जवाब मिला? एक बात क्लियर है, बाकी कुछ भी हो, देखिए मैं फोरकास्टिंग नहीं कर रहा हूँ, और कोई 5 दिन घूम के 400-500 लोगों से बात करके आप इलेक्शन की फोरकास्टिंग नहीं कर सकते, एग्जैक्ट कितनी सीट आएंगी, स्विंग कितना होगा, ये काम सर्वेस का, ये काम मैं यहाँ नहीं कर रहा। लेकिन एक बात क्लियर है कि ये वो उस वाली आंधी ये नहीं है जिसमें बस मोदी जी खड़े हो गए, उसके बाद मोदी मोदी मोदी, कोई जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं, किसी चीज़ पे आप बात नहीं कर सकते, जो बालाकोट के बाद हुआ था और जो 2014 में भी हुआ था जब मोदी आ रहे थे, बस एक बार मोदी का नाम ले लिया फिर उसके बाद कोई सवाल ही नहीं उठ सकता, वैसी हालात बिल्कुल नहीं है। सवाल उठ रहे हैं, नॉर्मल पॉलिटिक्स वापस आ रही है, लोगों के जमीन के मुद्दे उठ रहे हैं, तो खाली मोदी बोलने से मुद्दा दब नहीं रहा। सबसे बड़ा मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट का। जहां जाइए, जहां आप उंगली रख दीजिए, ये सवाल है, इसे दबाया नहीं जा सकता। दबाया इसलिए नहीं जा सकता कि किसी को आप ये कह दो कि भाई हमने लद्दाख में इंडियन फोर्सेस चाइना में घुस गए हैं, चाइना इधर नहीं आया, ठीक है, लोग मान लेंगे। लेकिन उस आदमी को आप ये कन्विंस नहीं कर सकते कि तुम्हारे घर में बच्चों को नौकरी मिल गई है ना, वो तो सबको पता है। तो कोई हार्ड कोर बीजेपी वाला भी हो, जब बातचीत होती है गाँव में, और ये घूमने का फायदा यही होता है कि लोग चारपाई पर बैठ के बात कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज भी कर रहे हैं, सामान्यतः गाँव में जो चलता है, उसको आप ध्यान से सुनिए। जब अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती है तो आरएसएस बीजेपी वाला भी उसको डिफेंड नहीं कर पाता ना, ये है तो, लेकिन देखिए कोशिश कर रहे हैं, ऐसी वैसी बातें करते हैं। उसी से जुड़ा सवाल खासतौर पे इस इलाके में जहां हम गए, जो सिरसा, हिसार, चूरू, झुंझुनू, सीकर वाली जो बेल्ट है, यहां सबसे ज्यादा आर्मी रिक्रूटमेंट होता है। और जब जब अग्निवीर का सवाल उठा, कोई बीजेपी का बंदा उसको डिफेंड नहीं कर सकता अग्निवीर की बात को, वो सब में क्लियर है कि ये गलत हुआ है। और अब लोगों को पता नहीं कि कांग्रेस ने कहा है कि उसको ख़त्म करेंगे, लेकिन अग्निवीर गलत पॉलिसी है, इसके बारे में कोई दो ओपिनियन नहीं है चर्चा के अंदर। महंगाई का सवाल है, महंगाई का मतलब सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं है, गाँव वाले उसको कोई इन्फ्लेशन की इंडेक्स से नहीं देखते हैं, महंगाई का मतलब मैं बार बार कहता हूँ, यू नो प्राइस राइज एंड इन्फ्लेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। जब लोग महंगाई की बात कर रहे होते हैं, उनके मन में होता है लैक ऑफ परचेजिंग पावर, मैं जो चीज़ खरीदना चाहता हूँ वो खरीद नहीं पा रहा, इसकी चर्चा है, ये मुद्दा है, रिजेंटमेंट है। और फिर उसके बाद तमाम तरह के लोकल मुद्दे, करप्शन बढ़ा है, घटा नहीं है, लोगों के मन में है, कम से कम लोकल लेवल पे, दिल्ली में क्या होता है उनको किसी को पता नहीं है, लेकिन लोकल लेवल पे है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड की चर्चा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या है, घोटाला क्या है, ये खबर नीचे तक पहुंची नहीं है, लेकिन लोकल करप्शन की खूब चर्चा है। फिर तमाम तरह के लोकल इश्यूज हैं, साथ में कैंडिडेट का काम, इनकम्बेंट ने काम नहीं किया, 5 साल नहीं आया, अब ये पूरा इलाका है जहां बीजेपी के MPs हैं ज़्यादातर जगहों पर, और इसलिए सवाल अब उंगली बीजेपी की तरफ ज़्यादा उठती है क्योंकि MP उनके हैं,
पांच साल से शक्ल नहीं दिखाई, खाली मोदी के नाम पे टिकट लेके वोट लेके चला गया, बाद में आया नहीं हमारा। ये सवाल जो कि 2019 में उठ नहीं रहे थे, वो क्वेश्चन सब उठ रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं कि वो भी काम क्यों नहीं किया। अब आएगा, देख लेंगे इसको। तमाम बड़े बड़े लोगों के बारे में जिनकी चर्चा होती है, उनके बारे में सवाल उठ रहे हैं। कैंडिडेट की जाति क्या है, वीके सिंह को टिकट नहीं दिया, राजपूत नाराज हैं, हो सकता है मन जाए, लेकिन अब ये सवाल है, ये सवाल दब नहीं रहे। दैट्स माय पॉइंट। इट इज़ ए नॉर्मल, इट्स नॉर्मल पॉलिटिक्स, नॉर्मल पॉलिटिक्स वापस आ रही है, सवाल उठ रहे हैं। लोकल कास्ट इक्वेशंस, कौन सी कास्ट किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, हरियाणा के अंदर जाट बीजेपी से बेहद नाराज हैं। अब ये सारी चीज़ों को मोदी के कवर में ढका नहीं जा सकता, दिस राइज ऑफ नॉर्मल पॉलिटिक्स। और राइज ऑफ नॉर्मल पॉलिटिक्स इज बैड न्यूज़ फॉर द बीजेपी, क्योंकि अगर नॉर्मल सवाल उठेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल, इन्फ्लेशन का सवाल, करप्शन का सवाल, एमपीज के काम का, इनकम्बेंसी का सवाल, जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा, और काफ़ी चीज़ों में जवाब देने को उनके पास है नहीं। तो क्या इसका मतलब ये इलेक्शन पलटने जा रहा है? हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि 2004 वाला होने वाला है, जैसे इंडिया शाइनिंग अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, सोचा था इलेक्शन जीत जाएंगे, जब रिजल्ट आया एकदम उल्टा हो गया। मैंने कहा देखो, अगर ये नॉर्मल इलेक्शन होता तो नॉर्मल पॉलिटिक्स के राइज का मतलब है बीजेपी को बहुत बड़ी चैलेंज होती, क्योंकि ये जो नॉर्थ इंडिया का इलाका है जहाँ बीजेपी को 200 में से कोई 180 सीट आ गई थी, वहाँ नॉर्मल पॉलिटिक्स आएगी तो अपने आप उनकी 20-40 सीट तो कम हो गई होंगे। आप 200 में से 180 सीट नॉर्मल पॉलिटिक्स से नहीं ले सकते, पर क्या वो होने जा रहा है? वी डोंट नो, क्योंकि नॉर्मल इलेक्शन ये नहीं है। दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग, नॉर्मल पॉलिटिक्स इन एबनॉर्मल टाइम्स। पहली बार मैंने गांव में घूमते हुए तानाशाही शब्द सुना, बार बार साधारण लोग, ये कोई एकेडेमिक लिबरल जर्नलिस्ट नहीं, गांव के लोग, ये तो साफ तानाशाही है। अच्छा, कई बीजेपी के लोग कह रहे थे, जब अरविंद केजरीवाल की बात हुई अरेस्ट की, कई लोग कह रहे थे अच्छा ये तो ठीक नहीं किया, ये तो गलत है, वो तानाशाही शब्द इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जो बीजेपी के ओपोनेंट हैं खुल के तानाशाही की बात होती है। वॉशिंग मशीन आजकल गाँव में पता लग गया है, लोग कहते हैं अच्छा जी अब दिल्ली में क्या हो रहा है और अजीत पवार का क्या मामला है, ये पता नहीं होता लोगों को। लेकिन अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट में, अलवर में हम घूम रहे थे, वहाँ पे राजेंद्र यादव पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, उनके छापा पड़ा, फिर उसके बाद बीजेपी में आ गए, मामला सब ठीक ठाक, सब चंगा सी हो गया। अब इसकी चर्चा हर कोई कर रहा है कि देखो कमाल हो गई, ये क्या तरीका हुआ। तो तानाशाही की बात हो रही है, बीजेपी मीडिया को क्या कर रही है, गोदी मीडिया की बात गांव गांव में, रविश कुमार का बनाया हुआ जो शब्द है ये तो भाई गांव गांव में पहुंच गया, किसान आंदोलन ने भी काफ़ी मदद की इस शब्द को पहुंचाने में। तो गोदी मीडिया की चर्चा होती है, तानाशाही की चर्चा होती है, ईडी सीबीआई वॉशिंग मशीन की चर्चा होती है। और एक चीज़ और, पहली बार मैंने काफ़ी लोगों को ईवीएम के बारे में सवाल करते हुए सुना, साहब बटन कहीं दबाएंगे मशीन में निकलेगा कहीं और, क्या करेंगे? नाउ दैट्स सीरियस एंड इट पेन्स मी, क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट 70 साल की ये थी कि बाकी देशों में इलेक्शन होने के बाद ऑपोजिशन पार्टीज कहती थी हम तो रिजल्ट नहीं मानते, झूठ है, फ्रॉड है, जो बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, इंडिया वॉज डिफरेंट। लेकिन और हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी, इलेक्शन मशीन्स की क्रेडिबिलिटी बहुत ऊँची थी बाय ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, वो खत्म हो रहा है, लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं। सो नॉर्मल पॉलिटिक्स तो आ रही है, लेकिन नॉर्मल इलेक्शन नहीं है, उसमें क्या होगा? और नतीजा क्या हो रहा है कि जो नीचे की खबर है वो ऊपर नहीं जा रही, नीचे लोगों के जो सवाल हैं, जो मुद्दे हैं, जो जो चीज़ें लोग गांव में डिस्कस कर रहे हैं, नेशनल मीडिया देख लो नहीं है, अब कंगना रनौत हैं, मोदी जी ने ये कह दिया, मुस्लिम लीग ये वो, जिसका कोई चर्चा जमीन पर नहीं है, नेशनल मीडिया में वो सब चीज़ें चल रही हैं, तो नीचे की खबर ऊपर नहीं जा रही, ऊपर की खबर नीचे नहीं जा रही। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला मामला है, लोग हाँ अच्छा कुछ हुआ था, अच्छा चंदा, हाँ जी वो तो सब लोग लेते हैं, लेकिन ये जो सारा क्विड प्रो को है कि भाई प्रीपेड स्कीम, पोस्ट पेड स्कीम, ये जो रियलिटीज़ की है, यानी कि लेन देन का जो धंधा है, उसकी खबर गांव तक नहीं है, ऊपर की खबर नीचे नहीं जा रही है।
लोग कहते हैं कि साहब मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मुझे ये हुआ था, घर में रोजगार नहीं है, दिक्कत है, रहने की समस्या है, तो देश की इकोनॉमी क्या है? नहीं साहब, देश की इकोनॉमी तो अच्छी है, मतलब मेरी हालत ख़राब है, मेरे पड़ोसी की हालत ख़राब है, सबकी हालत ख़राब है, लेकिन देश की हालत अच्छी है, क्योंकि मीडिया में दिख रहा है, क्योंकि प्रोपेगेंडा हो रहा है, बात चल रही है। ये एक इसमें एक दोनों में डिस्कनेक्ट हो रहा है। और डिस्कनेक्ट एक और चीज़ में है कि साहब मैं तो बीजेपी को वोट नहीं दूंगा इस बार तो। अच्छा, आपके परिवार वाले? नहीं, इस बार तो मन बनाया है कि नहीं, देखो सोचेंगे सब लोग, लेकिन पक्का तो नहीं है। आपके इलाके में क्या होगा? हमारे ही वाले तो हो सकता है बीजेपी वाला इस बार हार जाए। तो नहीं साहब, सरकार तो मोदी की बनेगी, आएगा तो मोदी ही। अब ये विचित्र चीज़ है कि पहले हमेशा मैं देखता था, जब भी वोटिंग में स्टडी में करता था, जो कहता था कि भाई मैं फला पार्टी को वोट दूंगा, सरकार किसकी बनेगी? साहब इसी की सरकार बनेगी, ये कॉन्फिडेंस होता था। अब ये है कि मैं तो वोट इधर दूंगा, सरकार उधर बनेगी। ये जो एक खाई बन गई है, ये जो फांक है, ये जो डिसोनेंस है, दैट इज़ वेरी सीरियस फॉर डेमोक्रेसी। तो नॉर्मल पॉलिटिक्स तो आ रही है, लेकिन क्या नॉर्मल इलेक्शन होगा? और अगर नॉर्मल इलेक्शन नहीं होता तो फिर नॉर्मल पॉलिटिक्स कहाँ जाएगी? क्या लोकतंत्र के लिए शुभ लक्षण है? इस सवाल को लेके हम वापस आए, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, इसका जवाब आपको देंगे।